भारत के साथ दुनिया भर में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। दिवाली के त्यौहार की ऐतिहासिक कहानी के पीछे जाएं तो इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और तभी से अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के आगमन पर दिए जलाए और तब से ही हम अब तक दिवाली मनाते हैं। दिवाली के त्यौहार की बात करें तो इस साल भी अयोध्या में लगभग 17 से 18 लाख दिए जलाए गए, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिन अयोध्या में मौजूद रहे। इसके अलावा बात करें अगर दीपावली की तो दिवाली के त्यौहार पर देश भर में भी तमाम लोग बाज़ारों में खरीदारी करते हुए और अपने अपने तरीके से अपने धार्मिक आस्थाओं के साथ इस पावन पर्व को मना रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन बधाई देने का भी तांता लगा हुआ है और भारतीय क्रिकेटर्स और साथ ही विदेशी क्रिकेटर्स ने भी दीपावली के त्यौहार की बधाई दी है। बात करें अगर भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। वीरेंद्र सहवाग ने एक खूबसूरत लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर को साझा किया और लिखा कि आपके जीवन से तमाम अंधेरा छट जाए और आपके जीवन यूं ही एक सितारे की तरह चमकता रहे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शुभ दीपावली आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन वैभव यश ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ लक्ष्मी आपकी सुख संपन्नता स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस पावन पर्व पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्यार शांति और उमंग भरी रहे। सुरेश रैना ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस पावन पर्व को अपने परिवार के साथ मनाइए। यह त्यौहार खुशियों का है, रोशनी का है और प्यार का है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने अपने पिता की कुछ यादों को भी ताज़ा किया और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने भी मेलबर्न से दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। आपके जीवन में शांति प्यार और आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के हीरो विराट कोहली ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह त्यौहार रोशनी बिखेरता रहे। आपके जीवन में शांति हर्षोल्लास बना रहे। टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आपके और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ प्यार बना रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि दीपक हुडा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस पावन पर्व पर आपके जीवन में खुशियां बरसती रहें। आप हमेशा खुश रहें। आपका जीवन यूं ही महकता रहे। आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि भारतीय क्रिकेटर्स के साथ विदेशी क्रिकेटर्स ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने भी लिखा कि पूरी दुनिया भर में दिवाली को मनाने वाले सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा अफगानिस्तान के स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, प्यार लेकर आए, शांति लेकर आए और रोशनी लेकर आए। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। साथ ही वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने लिखा, हैप्पी दिवाली, यह त्योहारों का सीज़न है। टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम इस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर चुकी है। साथ ही टीम इंडिया के फैंस को दिवाली मनाने का एक बड़ा कारण मिल चुका है और अब क्रिकेटर्स ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।